मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका बीएड फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक है वो है अलग अलग तरह के पाठों का पठन। आपकी कौन सी यूनिट चल रही थी? आपकी यूनिट 4 चल रही थी, ठीक है। यूनिट 4 के अंदर जो आपने एक टॉपिक लिया था वो लिया था अलग अलग तरह के पाठों का पठन। जैसा कि आपको पता है कि ये जो यूनिट है वो पढ़ने पर डिपेंडेंट है कि जितनी हम रीडिंग करेंगे उतना ही हमारी उच्चारण क्षमता क्या होगी बढ़ेगी, और जो उच्चारण के अंदर जितनी भी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ेगा वो इजी गोइंग में सॉल्व होगी। तो जो पढ़ना होता है, पढ़ना ये माना जाता है कि ये जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें वो विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी। अगर हम जितना सेल्फ उस चीज़ को पढ़ेंगे उतना ही हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ वस्तु हमें समझ में आएगी। तो आप देखते हो डेली रूटीन में भी कि जो व्यक्ति होता है या जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, वो कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने का जो क्षेत्र है वो अब बहुत व्यापक हो गया है। पहले बच्चे सिर्फ क्या करते थे कि जैसे ऋषि मुनियों के पास अगर वो जाते थे तो वो सिर्फ एक धार्मिक, हम ये कह सकते हैं धार्मिक किताबों को ही कहीं अध्ययन करते थे, उसको ही रीड करते थे, उसको ही पढ़ते थे। लेकिन अब देखा जाए कि जो पाठ्य सामग्रियों के अंदर, मतलब जो शिक्षण जो सामग्रियाँ होती है उसके अंदर अगर हम देखा जाए तो रीडिंग को भी, मतलब एक पठन को भी एक महत्वपूर्ण स्थान दे दिया गया है जो एक बहुत ज़्यादा व्यापक रूप में जाने जाना है। अब ये माना जाता है कि अब हमें पढ़ना क्या है, ये नहीं है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है या हमारी जो विद्यालय की बुक्स है, जो हमारा स्तर के अकॉर्डिंग जो बुक्स है हमें सिर्फ वही पढ़नी चाहिए। अब पढ़ने के भी कहीं कहीं प्रकार होते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए, हमें किताबें पढ़नी चाहिए, हमें कविताएं पढ़नी चाहिए, हमें कहानियां पढ़नी चाहिए, हमें नॉवल्स पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो अर्थशास्त्र होते हैं, शास्त्र से रिलेटेड जो किताबें होती है वो हमें पढ़नी चाहिए। तो ये पढ़नी तो चाहिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली पढ़ने का? तो उसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है कहानी, ठीक है। क्या आता है? कहानियाँ, ठीक है, कहानियाँ। अब आपको पता है जो स्टोरीज होती है, कहानी बेसिकली होती है, अगर हम गंभीर रूप से इसे देखा जाए तो स्टोरी का जो बेसिकली जो पद होता है वो ये होता है मनोरंजनात्मक। मतलब जो कहानी होती है वो किस पे आधारित होती है? मनोरंजनात्मक पे आधारित होती है, मनोरंजन होती है, ठीक है। अब हम कहानी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि शिक्षण को हमें प्रभावी बनाना है। अगर किसी छात्र के अंदर शिक्षण प्रक्रिया को हमें प्रभावी बनाना है या कोई कंटेंट बच्चों को समझ में नहीं आ रहा तो हम ये कह सकते हैं कि कहानी के माध्यम से उससे वो क्लियर कर सकते हैं। तो अगर कहानी मनोरंजन होगी, ठीक है, तो शिक्षण की प्रक्रिया भी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी? मनोरंजनात्मक बन जाएगी, और बच्चे उसमें रुचि दिखाएंगे और उसकी तरफ क्या होंगे, उस विषय वस्तु की तरफ आकर्षित होंगे। तो कहानियाँ जो होती हैं, कहानियाँ भी कई तरह की होती है। जैसे हम ये माने जाए कि एक कहानी ये होती है, जैसे अगर चरित्र की बात हो रही है, कोई कहानी में किसकी बात हो रही है? चरित्र की बात हो रही है, तो वो कहानी बन गई चरित्र प्रधानता कहानी बन गई, ठीक है ना। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर कोई कहानी जीवन का संदेश दे रही है, मतलब कहानी कैसे होनी चाहिए? जीवन का संदेश देने वाली हो सकती है, बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने वाली हो सकती है, ठीक है, कौशलों को विकसित करने वाली हो सकती है। या फिर आप ये देखते हो कहानी, जो हम कहानी बच्चों को बताते हैं वो पूर्वजों के अनुभवों से रिलेटेड भी होती है। मतलब उसके अंदर वो बहुत सी बातें होती हैं जो अभी वर्तमान में बच्चों को नहीं समझ में आती, लेकिन हम उसे एक वैल्यूज़ के माध्यम से, कहानी के अंदर जैसे मॉरल वैल्यूज़ के माध्यम से बच्चों को उसकी तरफ हम खींच के ला सकते हैं। अब कहानी जब हमें बच्चों को पढ़ानी है तो हमें ये नहीं है कोई सी भी कहानी उठा के पढ़ानी है। कहानी का मतलब है ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं वो शिक्षण से रिलेटेड है, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को कहानी पे जोर देना चाहिए, कहानी के को वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। तो इसके लिए जैसे उनका एक चैप्टर है महारानी लक्ष्मीबाई का। अब बच्चों ने जब अब महारानी लक्ष्मीबाई है वो एक कविता है बच्चों के लिए, ठीक है। जब हमने उस बच्चों को कविता पूरी की पूरी क्लियर करवाई है, ठीक है, बच्चों को पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन बताया कि ये कविता ये है, अब इसके बाद बच्चों को और क्लियर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिवाजी या महाराणा प्रताप की कहानियों को क्या बता सकते हैं? क्लास के अंदर हम शिवाजी और महाराणा प्रताप की कहानियों से अवगत करा सकते हैं। उसके अंदर माननीय लक्ष्मीबाई ने जो जो काम किए हैं, जो जो चीज़ें करी हैं,
वो सारी उस कहानी के माध्यम से बच्चों में ऑटोमेटिक ही उन्हें पता लग जाएगा। तो यही चीज़ है। अब कहानी कैसे होनी चाहिए, कहानी की विशेषताएँ क्या होती है, तो कहानी की विशेषता ये है अथवा लोक कथा है। हिंदी कविता में अंतर कथाओं की ओर से क्या होता है, विद्यार्थियों में स्थलों के बारे में नॉलेज या फिर एक तरह से हम संकेत बोल सकते हैं, संकेत स्थापित होता है। इसी की तरह अध्यापक जब इसका वर्णन करता है तो उसे एक कहानी के माध्यम एक कहानी का रूप दे लेता है। तो कौन कौन सी अंतर कथाएँ होती हैं, तो इसमें आती है पहले नंबर की अंतर कथा थी अगस्त्य ऋषि। अब बच्चों को स्थल की ओर या उसकी ओर संकेत करना है हमें, तो अगस्त्य ऋषि की हमें कहानी सुनानी है बच्चों को। तो ये अगस्त्य ऋषि का एक छोटा सा मतलब एक लोक कथा है कि इसमें क्या बताया जाता है कि दो तीतर होते हैं, उनका एक जोड़ा होता है, ठीक है। अब तीतर जब भी अंडे देता था, ठीक है, जो अब वो तीतर जब भी अंडे देता था तो वो जो अंडे होते वो समुद्र के साथ बह के चले जाते थे। अब ये दोनों जो तीतर थे, ठीक है, ये जो जोड़ा था वो उन्हें क्या आ गया, गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया, क्योंकि जब भी वो अंडे देते थे तो क्या होता था, समुद्र के अंडों को भागकर ले जाता था। तो उन्होंने क्या किया, भालू मिट्टी से धीरे धीरे उस समुद्र को मतलब परास्त करने के लिए, मतलब समुद्र को रोकने के लिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी चोंच में भालू मिट्टी लेके उसके ऊपर डालना शुरू किया। जब अगस्त्य जो मुनि थे उन्होंने जब इस चीज़ को देखा तो उन्हें उन्हें तीतरों पर दया दी और उन्होंने एक मतलब एक मंत्र बोला जिसे बोलते हैं ओम राम। ओम राम बोल के उन्होंने सारा समुद्र का पानी अपने अंदर ग्रहण कर लिया। तो अब ये माना जाता है कि जब हम बच्चों को किसी स्थल के बारे में बता रहे हैं, स्थल की ओर संकेत कर रहे हैं, तो हम ऐसे छोटी छोटी लघु कथाओं के माध्यम से या लोक कथा अंतर कथाएँ के माध्यम से बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो बच्चों को इसकी नॉलेज भी होगी और साथ साथ जो शिक्षण प्रक्रिया है वो भी मनोरंजन बनेगी। इसी तरह बहुत सी कहानियाँ हैं, जैसे एक दूसरी कहानी अजामिल की। ठीक है, एक और कहानी है अहिल्या की। अनुसुईया की, ठीक है, कुबड़ी की, जटायु की, ऐसी बहुत सी अंतर कथाएं होती है जिसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर ज्ञान विकसित करते हैं। अब इसके माध्यम से बच्चों में मानसिक स्तर का विकास होता है या उनमें क्या हम ये माना जाता है कि बच्चों में जो ज्ञान होता है वो स्थायी रूप से मतलब एक तरह से चीज स्थायी रूप से बना रहता है। तो अलग अलग पाठों में कहानी के साथ साथ अंतर कथा लोक कथाएं का ज्ञान भी या मतलब पढ़ाना, बच्चों को ये भी पढ़ाना आना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है
वास्तविक कहानियाँ, जो वास्तविक कहानी होती है वो वास्तविक जीवन से जुड़ी होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कहानियों के अंदर। क्यों होता है वास्तविक कहानियाँ क्या होती है? एक तरह से सत्य पर आधारित होती है, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है। तो कई पॉइंट ऐसे होते हैं कि बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहते हैं तो उससे रिलेट करते हुए हमें इसके माध्यम से वास्तविक कहानियाँ बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो जो वास्तविक कहानियाँ हैं वो बच्चों के अंदर नैतिकता और मानवता का गुण पैदा करता है, विभिन्न प्रकार के कौशलों का गुण विकसित करता है, चरित्र का निर्माण करता है। इसके अंदर जैसे हम कौन कौन सी कहानियाँ ले सकते हैं, हरिश्चंद्र की कहानियाँ ले सकते हैं, ठीक है, राम विवाह की कहानियाँ ले सकते हैं, सावित्री की कहानियाँ ले सकते हैं। तो इस प्रकार की जो कहानियाँ वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई उससे रिलेटेड हम विभिन्न प्रकार की कहानियाँ ले सकते हैं। इससे बच्चों में मानवता की शिक्षा का विकास होता है। मानवता की शिक्षा का विकास होता है। तो ये वास्तविक कहानियाँ भी बच्चों को पढ़ानी चाहिए, बच्चों को रीड करवानी चाहिए, जिसके अंदर बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार के गुणों का विकास हो। फिर इसके अंदर जो नेक्स्ट कहानी कौन सी आती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अलग अलग कहानी है विशेषताओं का